किसी ने मुझसे पूछा कि इतने खुश कैसे रह लेते हो। मैंने जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिया जिससे पीछे छोटे रास्ते और रिश्ते नजर आते हो। तमाम गिले शिकवे भुला कर सोया करो यारो। सुना है मौत किसी को मुलाकात का मौका नहीं देती। कल तक जो अपने आप को शहंशाह कहा करते थे, थोड़ी सी आंधी क्या चली वो तो कटोरा लेकर निकल पड़े। होता अगर भरोसा खुद की काबिलियत पर तो बदले हुए आसमान के रंगों से डरा नहीं करते। महफिल में गले लग के वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्में हैं, इसे मोहब्बत ना समझ लेना। क्या हुआ? परेशान हूं कि अब क्या होगा, इसलिए समझाता हूं कि दूसरों पर भरोसा रखोगे तो एक दिन हार मान जाओगे, लेकिन खुद पर यकीन रखोगे तो इस दुनिया को जीत जाओगे। आप जीवन में चाहे कितनी भी भलाई कर ले, लेकिन उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती करने तक ही सीमित रहती है। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, वो भी हमें यही सिखाना चाहती है कि किस्मत से पहले मेहनत होती है। किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच समझ ले, क्योंकि चीनी और नमक का कलर एक समान होता है, लेकिन दोनों का हमारी जिंदगी में अलग अलग काम होता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार किसी दूसरे को बोझ लगने लगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत रहिए। समझदार इंसान कभी चिंता नहीं करते, वो हमेशा चिंतन करते हैं, और मूर्ख इंसान हमेशा चिंता करता रहता है, वो हमेशा समस्या के बारे में सोचता है, न कि ये कि उस समस्या का हल कैसे निकलेगा। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती, आखिर कहां गीता पर भी श्री कृष्ण के हस्ताक्षर है। इसलिए जिस पर विश्वास करो पूरा करो, नहीं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। सांप यदि घर पर दिखे तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, और यदि शिवलिंग पर दिखे तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं बल्कि आपकी स्थिति और आपके स्थान का करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन चार बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ लेकिन उससे सीख जरूर लो। दूसरा, वर्तमान में जियो लेकिन भविष्य की प्लानिंग तैयार रखो। तीसरा, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दो। और चौथा, अपने काम को टालना बंद करो।